विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदिकाल से आज तक मानव सभ्यता के सभी सोपानों पर गुरु शिष्य परंपरा सदैव ही विद्यमान रही है। गुरु शिष्य को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है, उसे जीवन जीने के गुर सिखाता है और शिष्य उस ज्ञान को लेकर समाज में प्रकाश फैलाता है। विश्व के सभी समाज में गुरु शिष्य परंपरा आदर और श्रद्धा का विषय रहा है और रहेगा। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा के ऐसे अनेक अद्वितीय उदाहरण हैं जो गुरु शिष्य के संबंधों की अनूठी मिसाल हैं। विश्वामित्र राम, द्रोणाचार्य अर्जुन, एकलव्य, बुद्ध अशोक से लेकर यह परंपरा आज भी उतनी सार्थक और जीवंत है। जब मानव हृदय परमात्मा और गुरु के प्रति कृतज्ञता से छलकता है तो वह अद्वितीय और अटूट हो जाता है। ताली बजाएंगे।
जिनके पास ईश्वर की दी हुई ये दो टांगे हैं, दो लेग का बिजनेस है, खड़े हो जरा। वो यस वो दो तरह के लोग हैं, हॉल से बाहर वो हैं जिन्होंने काटनी है, हेलो काटनी है जिंदगी, उन्होंने काटनी है अपनी भी, पड़ोसियों की भी, परिवार की भी, और जो जहां हैं उन्होंने जीना है और जीतना है, और जो लोग जीतते हैं ये इंडस्ट्री ये बिजनेस योद्धाओं के लिए इजाद हुआ है, उन लोगों के लिए जिनके अंदर यहां कुछ होता है और मौका नहीं होता वो यहां आते हैं, और जिनके अंदर यहां कुछ होता है उनके हाथों से पांव से चेहरे से जुबान से झलकता है कि अंदर कुछ है, है? Yes! Come on! Yes! भी आए, चलिए 1 2 3 गो यस हे 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 कुछ कमी आई क्या?
यस, गर्मी चाहिए उत्पत्ति के लिए, अरे अंडे से बच्चा भी बाहर नहीं आता अगर गर्मी ना हो, यस यस, और यदि गर्मी लगे तो समझो कि एक के दो और दो के चार डिस्ट्रीब्यूटर होने वाले हैं, यही हो जाएंगे, यस, प्लीज हैव योर प्लेसेस, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम सतीश पंडित है और ढाई साल पहले इत्तफाक से मैं शहर में आया, अनूप जी बड़े भाई हैं, जबरदस्ती उन्होंने ये बिजनेस लिया मेरे से, मेरा कोई इरादा नहीं था उनको इसी मेले में डालने का। हेलो, प्लीज बैठ जाइए। और आज मैं भी अभी तक आपने जो भी देखा वो आप उस सब के लिए आए थे, क्योंकि आपको बताया गया था कि ऐसा ऐसा होगा, पर मैं उस चीज के लिए नहीं आया, जिस चीज के लिए मैं आया हूं वो भी होना है। यस, अभी आप व्हाट्सएप को सुनेंगे, व्हाट्सएप को जानते हैं आप? यस, गलत कह रहे हैं आप नहीं जानते। अभी पीछे लास्ट मंथ बैक रामनगर में एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में मैं स्पीकर था, एक लड़का मेरे को मीटिंग में गेट पे मिला, एक साल पहले एक मेरी दो सेमिनार मेरी छत्तीसगढ़ में हुई थी जगदलपुर, बहुत बड़ा फंक्शन था, मैं उसमें स्पीकर था, एक होटल में मैं रुका, वहां से एक डिस्ट्रीब्यूटर प्यारा सा छोटा सा 18-20 साल का लड़का, वो एज लोकल होस्ट मेरे पास रहा, क्योंकि शाम की मीटिंग थी, एक रात में पहले पहुंचा कि दिन में वो मेरे को लोकल कुछ एरिया घुमा दे, क्योंकि वहां पे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दो वाटरफॉल्स हैं, हैंडीक्राफ्ट का बहुत बड़ा व्यवसाय है, आदिवासी क्षेत्र है। वो लड़का पूरा दिन लेके मेरे को घूमा, बहुत क्लोज रिलेशन मेरा उसके साथ हुआ। और जब मैं रामनगर में पिछले महीने मीटिंग के लिए आया और वो गेट पे मेरे को मिला और मैंने उसको पहचाना नहीं, और जब मैं अपने काम पे आया यानी मेरे हाथ में माइक आया, मैंने बात शुरू की, बीच में उसने बोला कि सर आपने मेरे को पहचाना नहीं, मैं जगदलपुर में आपके साथ था। मैंने कहा नहीं, उसको बड़ी हैरत हुई। मैं कहा जब तुम जगदलपुर में थे तुम डिस्ट्रीब्यूटर थे, आज तुम यहां हो तुम रॉयल्टी पे हो, बहुत फर्क है, पहचाना नहीं जाता। यस, तो सुरिंदर वस वो नाम जिसको आप सुनते हैं, वो शख्सियत जिनसे आप मिले हैं, वो व्यक्तित्व जिसका आपके पास तारुफ और ताल्लुक है, नहीं पहचानेंगे, क्योंकि उनके पास भी एक नया मुकाम है हिंदुस्तान के आसियन बिजनेस के माध्यम से, बहुत घरपूर्ण एक ऐसा मुकाम उन्होंने हासिल किया है जो उनसे पहले केवल एक ही शख्स को मिला है, वो खुद बताएंगे वो क्या है, और हम सब गर्व से गदगद हैं कि वो हमारी अपलाइन है, वो हमारे मार्गदर्शक है। यू आर रेडी फॉर दैट? यस यस। अपने साइड से मैं दो तीन मिनट में जो बात कहना चाहता हूं वो ये बिजनेस आपको मौका देता है सार्वजनिक जीवन शुरू करने का, बहुत बड़ी लाइफ, आपका जीवन एक कथा हो जाए कहानी हो जाए, इस तरह का निमंत्रण इस बिजनेस के माध्यम से आपको दे रहे हैं ये सब लोग, इसलिए इसको जब तक आप छोटे छोटे बोझ पीछे नहीं छोड़ते, नाराजगी तल्ख मिजाजी
दस बीस पचास रुपए की बात नहीं चलेगा। बिना सीखे नहीं चलेगा, धैर्य नहीं रखेंगे तो नहीं चलेगा। यदि हमारे जीवन में आज तक कोई सक्सेस नहीं है तो एक वजह से नहीं है कि आज तक हम तत्काल सुखवादी रहे हैं, अभी मिल जाए। हेलो। और प्रकृति कभी भी तत्काल सुखवादी को फल नहीं देती। पीतांबर जी का जो मैसेज था और मेन मैसेज जितने भी आप 13 महीने में 15,000, 3 महीने में 1.5 लाख। हेलो। मेरे को 2.5 साल हुए इस बिजनेस में, ढाई साल में कितने महीने होते हैं? 30 महीने। 20 महीने में 3 लाख, 10 महीने में 30 लाख। आप जो मेहनत आज करते हैं वो डिपॉजिट होती है लास्ट वाले 10-15-20 मंथ में जाके। हेलो। एक व्यक्ति को प्लान दिखाने, देखिए अभी आप जिस नौकरी पे जाते हैं उसमें तनख्वाह मिलती है 6 से लेके 10 हजार रुपए, यस और नो? दिन की कितनी हुई, एक दिन की दिहाड़ी कितनी हुई? 200 रुपए से 300 रुपए, ठीक। आप 9 बजे जाना होता है ऑफिस, आप 9:15 बजे सो के उठते हैं। कोई चार्म नहीं है, कोई उत्साह नहीं है। अगर आपको बताया जाए कि कल से आपको मिलेंगे एक दिन के 5,000 रुपए, तो फिर 4 में फर्क आ जाएगा या नहीं? यस और नो? मेरे को जो पिछले महीने का चेक मिला है उसका अमाउंट है 2.25 लाख रुपए से ज्यादा। तो एक दिन के कितने हुए? हेलो। एक दिन के कितने हुए? 8,000 रुपए। जो भी आप मुझे ये बताएं, स्पेशली वो लोग जो पहली बार आए, कि यदि आपके पास एक ऐसा काम हो जिसमें 8,000 रुपए रोज मिलते हों तो चाल में फर्क आ जाएगा या नहीं? यस। अब थोड़ा सा इसके पीछे जाए, जो मेरे को पैसे पूरे 30 महीने में मिले हैं उनको इकट्ठा करके 30 महीने में उसकी एवरेज निकालें, तो पर मंथ निकालें और पर डे निकालें तो एवरेज कितनी आएगी? 5-6 हजार रुपए की। यस और नो? यस। लेकिन करना क्या है, स्मार्ट बिजनेस क्या है? लोग पूछते हैं कि शॉर्टकट बता दो, शॉर्टकट बता रहा हूं। जब आपको 2 लाख का चेक आएगा, यानी पर डे की इनकम 8,000 की होगी, तो चाल में फर्क होगा? चाल ढाल है, तन डोले मन डोले होगा नहीं? आप ये सोचे कि पहले महीने अगर 200 रुपए मिलते हैं, अगले महीने अगर 1500 रुपए मिलते हैं और अगले महीने कुछ भी नहीं मिलता है। सोच लें कि 30 महीने चलना है, सारा पैसा मिलना है लास्ट वाले 6-8 महीने में, एवरेज आएगी पहले दिन से, जिस महीने से आपने ज्वाइन किया है पहले महीने से एवरेज आएगी 7,000 रुपए महीने की, तो पहले महीने से चाल वैसी कर ले जैसी आखिर में होगी, तब बात बनी। यस। लोग आपके विश्वास को फॉलो करते हैं, लोग इस बात के पीछे लगते हैं कि आप कितने खुश हैं, कितने एक्साइटेड हैं। यस 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 भी लोग ऐसे बोलते हैं जैसे मना कर रहे हो, अलग नहीं चलेगा। जो भी होना है ये 2 साल 1.5 साल 2 साल का 3 साल का एक पीरियड है, एवरेज आएगी 5,000 रुपए प्रतिदिन की। हर वो व्यक्ति जिसने आरसीएम बिजनेस का किट लिया है और टेलर के पास चला गया सिलवाने के लिए, जिसने ये निश्चय कर लिया है कि इस बिजनेस को मैंने सीखना है, उसने टेप सुनना शुरू कर दिया है, किताब पढ़ना शुरू कर दिया है, वो पहले ही दिन से टेक्निकल अचीवर है, वो पहले ही दिन से 5 से 7 हजार रुपया प्रतिदिन कमाने वाला व्यक्ति है, अगर वो उस तरह से दिखना महसूस करना शुरू कर दे जैसा कि बाद में होता है। आप मुझे ये बताएं
काफी सारे लोग यहाँ पे होंगे जिनकी अभी शादी नहीं हुई है क्या? हेलो, आप मुझे ये बताएं, सुनिए, अगर आपको आपकी शादी की डेट फिक्स हो जाए 27 जून, तो चाल में फर्क आ जाएगा या नहीं? हेलो, चाल में फर्क आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं बताता हूं। चाल में फर्क उनके आएगा जिनको विश्वास होगा कि 27 जून को हो जाएगी, उनके फर्क आएगा। ठीक, सबने बिजनेस ज्वाइन किया है, सबको 2 साल में 5 से 7 हजार रुपए प्रतिदिन के इनकम पे पहुंचना है। सबकी चाल बदल देनी चाहिए, उनकी बदलेगी जिनको विश्वास है कि पहुंच जाएंगे। Got it? So, आपको 50 रुपए का आपका चालान काट के इतनी गर्मी में बिठा के पसीना जब टपके ऐसी स्थिति में आपको ये नहीं सिखाया जाएगा कि कपड़ा कैसे पहनते हैं, अरे चाय कैसे पीते हैं। आपको इतनी दूर बुला के केवल एक ऐसी शख्सियत के सामने खड़ा करना है, बिठाना है, जिसके ओज मात्र से, जिसकी वाणी के स्पर्श मात्र से आपको विश्वास हो जाए कि आप 2 साल के भीतर हिंदुस्तान की 120 करोड़ की भीड़ में आपका नाम पहले 100-200 लोगों में होने वाला है, इसका विश्वास आपको हो जाए। राजेश, यस 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 27 जून क्या विश्वास जिनको है उनके मुंह से आवाज निकलेगी यस। बहुत सारे मैसेज आपको मिले, बहुत सारे मैसेज आपको मिले, कॉमन चीज, सबके वेल विशर हो जाएं, भगवान से मांगे कि ईश्वर अकाल पड़ा है बारिश कर सबके खेत में कर, तब आपकी खेत में होगी। गॉट इट? यदि आप सोचें कि आपके खेत में हो, भगवान से बोले कि मेरे खेत में हो, पड़ोस के खेत में नहीं हो, तो पता क्या होगा, आपका खेत छूट जाएगा, सब हो जाएगा। सो आप बिजनेस में हैं, आपका एक ग्रुप है, आप चाहते हैं कि वो बढ़े, लेकिन दूसरे का कम करके बढ़े, किसी दूसरे को नेगेटिव करके बढ़े, नहीं चलेगा, हो ही नहीं सकता। सबके वेलविशर होके चलेंगे तो बढ़ेगा। तैयार है उसके लिए? यस यस यस। स्मार्ट, इस बिजनेस को करने के लिए कॉमन सेंस चाहिए, कॉमन सेंस सबके पास है, क्योंकि जिसको कॉमन सेंस नहीं है वो तो इस हाल में आता ही नहीं, पास से भी गुजरता नहीं है। आप आ गए हैं तो आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिस कैटेगरी के लोग इस बिजनेस में टेक्निकल पे जाते हैं। करेक्ट? यस। लेकिन कॉमन सेंस स्मार्ट होना अच्छा है, ओवर स्मार्ट होना बुरा है, क्योंकि यह बिजनेस सादगी का है, सिंपलिसिटी का है। आपका विश्वास आपकी अपलाइन में होगा तो लोगों का विश्वास आप में होगा। आपके लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। इस बिजनेस को आपने सीखना है और लोगों को सिखाना है। इस बिजनेस को जब आप लोगों को सिखाएं तो सिखाने का अच्छा तरीका तो बस सब बताएंगे अभी, सिखाने का सबसे बुरा तरीका मैं आपको बता देता हूं। बताऊं सबसे बुरा, घटिया, बिजनेस को बिगाड़ने वाला, बिजनेस को खराब करने वाला तरीका है कि आप लोगों को बोल के सिखाएं। लोगों को बोले मीटिंग में जाओ, लोगों को बोले टेप सुनो, लोगों को बोलो किताब पढ़े, लोगों को बोले प्रोडक्ट यूज करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, बोल के नहीं सिखाना। करके दिखाना है। आपको विश्वास है कि अगर आप टेप सुनेंगे
तो आपको इस बिजनेस की नॉलेज हो जाएगी। यस सर नो? यस। तो आप चाहते हैं कि आप टेप सुने या आप चाहते हैं कि आपके लोग टेप सुने? उसके लिए आप उनको बोलेंगे कि टेप सुने? नहीं बोलना। क्या करना है? खुद सुनना है। हेलो, जो खुद सुनते हैं उनके मुंह से अपने आप निकलती है टेप, देखा आपने अभी। हेलो, कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है। हेलो, नहीं आता। अगर आता हो तो यहां है, नहीं आता। लोगों को सिखाना है कि प्रोडक्ट यूज करना है, बोल के नहीं, प्रोडक्ट यूज करें। सेमिनार में आए, सेमिनार में खुद आए, लोग आए। एक प्रैक्टिकल पाकिस्तान जी कराते हैं, लोग वो करते हैं जो वो देखते हैं, लोग वो नहीं करते हैं जो आप उनको कहते हैं। क्यों? मानव मनोविज्ञान ये मानता है कि जब आप बोलने के लिए मुंह खोलते हैं तो सामने वालों को मैसेज आता है कि इसमें इसका स्वार्थ है। आप करके बताएं। ये उंगली सबके पास है? जिनके पास नहीं है मैं उनसे नहीं पूछ रहा, जिनके पास है दिखाएंगे ऐसे। आप सभी लोग ईमानदारी से अपनी इस उंगली को अपनी टी पे लगाएं, आप देखें कि आपकी छुट्टी कहाँ है और आपकी उंगली कहाँ है। छुट्टी यहाँ है, उंगली यहाँ पे है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप वो नहीं करते जो मैं कहता हूं, आप वो करते हैं जो मैं खुद करता हूं, करके दिखाता हूं। ठीक। और दूसरी, इस बिजनेस में किताब पढ़नी चाहिए। मैं यदि अब तक कुछ कर पाया, ऑफकोर्स कि बस का आशीर्वाद रहा, गाइडेंस मेरे पास थी, वो आपके पास भी है। मुकेश जी का प्रेम, कैलाश जी और बागचंद शाबरा जी का सहयोग, लोकचंद जी शाबरा, उनका आशीर्वाद मेरे पास भी था, आपके पास भी। एक चीज मैंने अलग से की कि मैंने उन सब टेप्स को स्वयं सुना जो अवेलेबल थे। आपको ऐसा करना पड़ेगा। कुछ किताबें पढ़ी। किताब आईना है जो आपके व्यक्तित्व को बदलता है, किताब आपको मजबूती देती है। मैंने पिछले 6-8 महीनों में जो पढ़ा है, राइटर्स का नाम मैं बता देता हूँ, ऑग मंडेनोस, उसकी 2-3 बुक्स मैंने पढ़ी हैं, शिवखेड़ा को मैंने पढ़ा, और रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी को मैंने पढ़ा, और बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये सभी किताबें यहाँ भी अवेलेबल हो सकती हैं। इन सब का क्रक्स जो मैं आपको 2-3 लाइन में बता दूँ, यस, ये मेरी तरफ से फाइनल मैसेज है। दो शब्द हमारी वाणी में अमूमन रहते हैं, बदनसीब और खुशनसीब। यस और नो? अमूमन हम उच्चारण में लाते हैं, लेकिन इन सभी महापुरुषों को जिनको मैंने पढ़ा, उनका वो क्रक्स मैं आपको बता रहा हूं। बदनसीब वो नहीं है जिसका वक्त बुरा चल रहा है। क्या? बदनसीब वो नहीं है जिसका वक्त बुरा चल रहा है, बदनसीब वो है जिसका वक्त अच्छा चल रहा है और वो ये माने हुए है कि अच्छा ही चलता रहेगा, वो बदनसीब है। क्यों? ऑथर क्या कहना चाहता है? क्योंकि जीवन किसी का भी हो, आप से लेके भगवान राम तक, जीवन ऐसा किसी का हुआ ही नहीं है कि जिसमें उतार चढ़ाव नहीं है। हेलो, जो व्यक्ति, देखिए, आपकी नौकरी है एक अच्छी नौकरी है अगर आप माने हुए हैं कि ऐसे ही चलती रहेगी, हेलो, नहीं चलेगी। आपके पास एक रोजगार है अच्छा है, आप माने हुए हैं कि ऐसा ही चलता रहेगा, नहीं चलेगा। आप मेल कैंडिडेट हैं, आपकी वाइफ हैं, बहुत कहना मानती हैं आपका, वो बहुत सेवा करते हैं, और आप धुरंधर हैं, आप उदंड हैं, और आपने माने हुए हैं कि वो हमेशा ही अच्छी बनी रहेगी, नहीं रहेगी।
डोंट टेक एडवांटेज एज ग्रांटेड। और आपने दो रूम को ज्वाइन कराया और उन्होंने चार चार को करा दिया और आपके दो ग्रुप चल गए और आप माने हुए हैं कि यूं ही चलते रहेंगे, नहीं चलेंगे। सो यदि अच्छा वक्त, जितने भी लोग यहाँ इस हॉल में बैठे हैं, सभी लोग सुबह खाना खा के आए थे क्या? यस। रात खाया था? रात को मिल जाएगा? बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं मिलेगा रात को, पता है आपको? शुक्रिया करना चाहिए मालिक का कि रात का है। सुनिए, आपके पास आज की डेट में जो सौभाग्य है उनको ग्रांटेड नहीं लें, उनको साथ में सहेजे और सख्त मेहनत करें ताकि वो हमेशा बने रहें आपके साथ। दिस इज द मैसेज। भीड़वाड़ा अपने पहला फंक्शन जिसमें मैं भीड़ में बैठा था, आप सीढ़ी देखें पुरानी, उसमें जो स्टेज था वो इससे 15 गुना बड़ा स्टेज था। उसके ऊपर इतने लोग रॉयल्टी भी थे जितने आप हॉल में बैठे हैं। हेलो। उनमें से 10-1 को छोड़ के बाकी कहीं नजर नहीं आता, पता क्यों? उन्होंने ऐसा माना कि अब तो पहुंच गए, बने रहेंगे नहीं, बने रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, अपलाइन का कहना नहीं मानेंगे, तो नहीं बने रहेंगे। इसलिए बने रहो, ये मेरा निवेदन है। इसलिए भाई, जो कुछ भी आपके जीवन में अच्छा है, मेरा अपना ये मानना है, देखिए इस बिजनेस को लेके आप मेरे बारे में जो भी सोचें, आई डोंट नो, मैंने जो किया है केवल इतना, अनूप जी आपके सामने बैठे, एक ट्रेन जिसका मैंने नाम सुना, ड्राइवर वाले कंपार्टमेंट में मैंने अनूप जी को बिठा दिया। हेलो, ठीक। साथ में इंजीनियर और जो सब कार्य करता थे वो काम चार्ज मैंने दिया संजीव जी गंडियाल को, कहाँ बैठे वो, ठीक। गार्ड की झंडी ला रहे थे बस साहब, मैं तो सिर्फ ये देख रहा था कि कोई फ्री नहीं चढ़ना चाहिए और गाड़ी यहां तक पहुंच गई। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा सिद्धांत मेरा है, मैं मान के चलता हूं कि कामयाबी आपको मिले पर आराम से नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरा यह मानना है कि आप रॉयल्टी पे पहुंचे मेरे को कोई चाव नहीं है। एक व्यक्ति मेरे सामने खड़ा होकर रॉयल्टी पे आके माइक पकड़ता है, मन में उबाल आते हैं। मेरे जीवन का कोई सबसे इमोशनल कोई मोमेंट होता होगा वो कि स्टेज से कोई अचीव करे और मैं देखूं कि इसने मेरे सामने कल शुरू किया था, आज ये अचीव कर रहा है, ये रॉयल्टी पे पहुंच गया, वो मेरे लिए सबसे मार्मिक दृश्य है, रोना आता है। थैंक गॉड, फील ब्लेस्ड। लेकिन मैं कतई उतावला नहीं हूं कि आप रॉयल्टी पे आए, मेरे को कतई जल्दी नहीं है कि रॉयल्टी वाले टेक्निकल पे आए, मेरे को एक ही चीज चाहिए कि जिस एक स्टेप के आप ऊपर आ जाएं, लौट के नीचे नहीं जाना चाहिए, सिर्फ सफर ऊपर का, केवल ऊपर का सफर है। आपका बिजनेस चले, अच्छा चले और बंद हो जाए, उससे अच्छा है कि आपका बिजनेस नहीं चले, नहीं जरूरत। क्यों? क्योंकि जब आपके पास पैसा आना शुरू हो गया, जब आपका लाइफस्टाइल सॉफ्ट हो गया, जब आपको एसी की, एयर कंडीशन की, लग्जरी गाड़ी की आदत पड़ गई, जब आपने अपने बच्चों को प्रमोटेड बड़ी फीस वाले स्कूलों में डाल दिया, जब आपने अपने रिश्तेदारों में डमरू बजा के बता दिया कि आप बहुत अमीर हो गए हैं, उसके बाद अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आई तो आप आकाश से उतर के धरती में नहीं गिरेंगे, पताल में चले जाएंगे, और मैं ये नहीं चाहता। आई डोंट वांट दिस। ये बिजनेस इतना स्मार्ट बिजनेस है, तुलसीदास ने लिखा है कि सक्षम कोना दोष गुसाई। जो लोग जीवन में ऑलरेडी उन्नत थे, सक्षम थे, वो दुनिया में कुछ भी करें कोई उंगली नहीं उठाता, लेकिन मैं और आप आम आदमी सबसे ज्यादा टैक्स देता है, सबसे ज्यादा समाज से जुड़ता है, सबसे ज्यादा ईमानदार है, सबसे ज्यादा कानून का पालन करता है, सबसे ज्यादा पिसता है। पहली बार उसके हाथ में त्रुप का पत्ता लगा है आरसीएम बिजनेस, पहली बार।
पहाड़ जो है ये उत्पत्ति का नेचर से उपजा हुआ सबसे बड़ा स्रोत है। लकड़ी पूरे हिंदुस्तान में जाती है, पानी सारे हिंदुस्तान में जाता है, यहाँ के लोग बॉर्डरों पर रक्षा करते हैं, सब कुछ यहाँ का नीचे जाता है। हेलो, पहला मौका है नीचे का पैसा ऊपर आ सकता है, पहला मौका। और एक चीज मैं आपको बताऊं, मर्द की परिभाषाएं वक्त वक्त पे बदलती रहती हैं। हेलो, 100 साल पहले उस व्यक्ति को मर्द कहते थे जिसका कद 6 फुट से ज्यादा होता था और वजन होता था 120 किलो। हेलो, फिर परिभाषा बदली, फिर मर्द उसको मानते थे जो गेहूं की एक बड़ी बोरी इस बगल में और एक इस बगल में उठा के 4 बार उठक बैठे कर ले, उसको मर्द कहते थे। यस, फिर मर्द उसको मानने लगे जो 4 शादियां करे 16 बच्चे पैदा करे। फिर मर्द उसको मानते थे जिसकी बड़ी बड़ी मूछें हो, एक नींबू इधर टिक जाए और एक इधर। हेलो, और फिर मर्द उसको मानते थे जिसमें 4 ऐब हों, उसको कहते थे कि ये मर्द है। और फिर उसको मर्द मानते थे जो खाम खा किसी को पीट के आ जाए। कि क्यों मार रहे हो? कि मर्द हूं। मर्दानगी की परिभाषा बदलती रही है, लेकिन आज के युग में आप मूछ दिखा के मर्द नहीं हो सकते। हेलो, हो सकते हैं? आप 10 बच्चे पैदा करके मर्द नहीं, अंदर कर देंगे पकड़ के। आप किसी को पीट के मर्द नहीं हो सकते। आप जोर लगाएं 2 गेहूं की बोरी उठाने के लिए, 20 रुपए दे देगा कोई उठाने के लिए आपको, इससे बड़ी बात नहीं कोई मानेगा। दुनिया में काम करने के तरीके बदल रहे हैं, लोगों की जेबें फटी हुई हैं, नाक बड़े बड़े हैं। हेलो, एवरेज औसतन आदमी के ऊपर कर्ज है और मर्दान की पता नहीं कहां कहां से टपकती है। आज के युग में मर्द वो है जो अपनी बड़ी हुई नाक को जेब में डाले और ईमानदारी के इस बिजनेस में टेक्निकल मुकाम तक पहुंच के दिखाए, वो मर्द है। ये बिजनेस चलता है, चलता है, चलता है। दूसरा, सबको इसकी जरूरत है, क्योंकि आज हमारे ग्रुप में थानेदार भी हैं, IAS भी हैं, स्टेट मिनिस्टर भी हैं, जो काला बैग पकड़ के प्लान दिखाते हैं। ये बिजनेस चलता है, मैं जानता हूँ, सबको इसकी जरूरत है, मेरे को पता है। और तीसरी, हर कोई इसको कर सकता है, प्रत्येक व्यक्ति इसको कर सकता है और 2 साल में, 1.5 साल में, 1 साल में रॉयल्टी पे आ सकता है। एक चीज मैं ये जानता हूं कि ईश्वर कहां है, बता दूं आपको, ईश्वर कहां है? जहां मैं खड़ा होता हूं उसके ठीक ऊपर ईश्वर होता है। और RCM बिजनेस में रह के आप ये सीख जाएंगे कि जहां जहां आप खड़े हों ईश्वर ऊपर आपका साथ दे, मेरा साया साथ होगा। गॉट इट? और एक चीज मैं ये जानता हूं कि इस बिजनेस में 2 साल में इतना सारा विश्वास दिया, आज ये दिखने लगा है, आज ये लगने लगा है, आज मैं इस बात को जानता हूं कि मैं व्यक्तिगत रूप से सतीश पंडित, दुनिया का सबसे मुश्किल, दुनिया का सबसे बड़ा काम कर सकता है, ये मैं जानता हूं। और एक चीज मैं और जानता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे मुश्किल काम मैं कर सकता हूं, और ये मैं जानता हूं कि अकेले नहीं कर सकता, मुझे आप सबकी जरूरत है। हम मिलकर, मदर टेरेसा ने एक जगह लिखा, यू कैन डू लॉट मैनी थिंग्स बेटर देन मी, आई कैन लॉट मैनी थिंग बेटर देन यू। यानी मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपसे अच्छी कर सकता हूं, और आप बहुत सारी चीजें हैं जो अकेले मेरे से अच्छी कर सकते हैं, बट हम दोनों मिल जाएं तो कमाल कर सकते हैं।
आई कैन डू लॉट मेनी थिंग्स बेटर देन यू, यू कैन डू लॉट मेनी थिंग्स बेटर देन मी, बट वी टुगेदर कैन चेंज द वर्ल्ड. हम मिल जाएं तो दुनिया को बदल सकते हैं. वन अदर थिंग, हमेशा जब मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जहाँ मैं ऊपरेश्वर है, तो उसके पीछे एक ही कारण है, एक ही तथ्य है, ये कि जिंदगी में कभी भी आप अकेले नहीं हैं. आपके सामने कोई भी काम आए, कितने लोग हैं जिनको मेरे को देख के लगता है कि उनके हाथ में भी माइक हो, जैसी हैंड्स हाथ खड़ा करें. आप जिनका हाथ नहीं खड़ा है उनको अभी डर लगता है कि कहीं मेरे को अभी ना बुला दिया जाए. हेलो, मैं आपको एक काम, आपको लगे आप अंदर से बोलना आई कांट डू, मैं नहीं कर सकता, बट मी एंड गॉड, मैं और भगवान, मी एंड गॉड, वी टू टूगेदर कैन डू इट. मैं और ईश्वर, हम दोनों मिल जाएं तो ये कर सकते. सो ऑफ कोर्स ये बिजनेस ऐसा है, इसमें आपको दो ढूंढने मुश्किल हो सकते हैं, इसमें आपको किसी मीटिंग में जाना मुश्किल हो सकता है, इसमें बहुत सारी मुश्किलें हो सकती हैं, लेकिन आप अकेले करेंगे तो आपके साथ नहीं होगा. सबसे पहले तो एक सिस्टम का साथ आप लें, ये आपको हेल्प करता है. दूसरा, हमेशा सुने कि आप अकेले नहीं हैं. यू एंड गॉड, वी टू थ्री टुगेदर कैन चेंज द वर्ल्ड. यस 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 यस. कोई भी व्यक्ति, आप स्पेशली जो नए लोग हैं, आप आज ये प्रण लेके जाएं कि अगले साल जो जून मंथ आने वाला है, मैं आपको एक प्रेडिक्शन देके जा रहा हूं, नेक्स्ट मंथ में जो जून का मंथ, नेक्स्ट ईयर में जो जून का मंथ आए, उस मंथ में भी हम एक बड़ा आयोजन इस शहर में करेंगे. उसके बीच में भी होंगे. संजीव जी ने आपको बोला कि अब कोई ऐसा हॉल इस शहर में बचा नहीं है जिसमें हम सब लोग समा जाएं. आपको केवल एक साल में जो करना है मैं आपको बता देता हूं, अगर इतना बड़ा रिवार्ड हो तो. एक टेप रोज सुन सकते हैं, और इस साल में जितनी भी छोटी बड़ी हो जिसके बारे में आपकी अपलाइन आपको बताए कि आपको पहुंचना है, उसमें आ जाएंगे. अभी किसने बोला था, मैं हमेशा गदगद हूं आपकी अचीवमेंट्स को देख के, जिस तरह के कि आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपकी कमिटमेंट है, जो एक एथिकल बहुत अच्छा टीम वर्क अभी तक उदाहरण है आप सब लोग. और मी मिस्टर सुरेंद्र वर्स, उपेश जी पठारी, कराज जी, बागचा जी छाबरा, योगी जी, ऑल पीपल एंड द ऑल अचीवर ऑफ द ऑल ओवर द कंट्री, हम सब लोग, सब लोग फोकस्ड हैं आपकी अचीवमेंट्स को लेके कि कब वो मौका आए कि हम बहुत सारे लोगों की सक्सेस एक से ही बेस सेलिब्रेट करें. तो जो लोग पहली बार हैं, मैं स्पेशली उनके लिए मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि वो एक ऐसा सपना लेके जाएं, और जब वो द्वारा किसी मीटिंग में आए तो वो सपना उनके हाथ में हो साकार रूप में, ऐसी मेरी प्रार्थना. आप कामयाब हो सकते हैं केवल एक साल, एक साल जिद्दी बच्चे की तरह अड़े रहे, जिद्दी बच्चे की, अपनी जिद ना छोड़ें. Got it? So every and each individual out of you can succeed. And हम सब लोग आतुर हैं, व्याकुल हैं, बेकरार हैं आपके लिए ताली बजाने के लिए कि आप अचीव करें और हम उसको सेलिब्रेट करें. So मैं आपकी कोऑपरेशन के लिए फिर I can extend thanks to the people who arranged this very very nice arrangement as far as this seminar is concerned. ठीक. और final message, सुंदर जी वर्स, मैंने अभी उनके बारे में जो भी बोला, अगर उससे एक इंच भी कम हुआ तो मैं जिम्मेवार हूँ. ठीक, आप तैयार हैं उसके लिए? उनकी शख्सियत में जो कुछ भी है, आप उनको किस तरह से आंकते हैं, ठीक, वो आपका व्यक्तिगत मामला है. सो उनके शब्दों की शुभन आप तक पहुँचे, और मैं इस बात को लेकर मेरे को बहुत प्राउड है, आपको भी होना चाहिए, कि ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में मैंने बिजनेस सीखा और आप इस बिजनेस को सीख रहे हैं. और पंजाबी में कहावत है, कुछ लोगों को पंजाबी समझते हो, कि जैसी कोको वैसे बच्चे. कोको किसको बोलते हैं आप पता नहीं, ये जैसा पेरेंट्स होते हैं वैसी संतान होती है, ऐसा लोग मानते हैं, है ना?
तो हम जिनकी संतान है, जो हमारे गुरुजन हैं, उनके जैसे हमें होने का सौभाग्य मिल रहा है, ये हमारे लिए फख्र की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। और मैं संजीव जी गंजाल, सुरेंद्र जी वस्त, मुकेश जी पिठारी, कैलाश जी, भागचंद जी छाबड़ा, ये जो टीम, ये जो एलोरस चली आ रही है हिंदुस्तान में, जितनी भी बड़ी बड़ी टीम्स हैं, हम लोग शायद उनमें से बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, ऐसा लोगों का मानना, ऐसा लोग जल्द नहीं। सबसे ज़्यादा एजुकेशन, सबसे ज़्यादा एथिक, सबसे ज़्यादा सिस्टम का पालन वत्सव की वजह से, उनके करेक्टर की वजह से उनकी टीम में हो रहा है, तो हम उसका पार्ट हैं। इसका श्रेय हमें हमेशा मिलता रहेगा और हमेशा हम अलग से पहचाने जाते रहेंगे उनकी वजह से। और गुरु की महिमा का जितना भी यहाँ से जिक्र हुआ, एक चीज़ मैं आपको बोलूँ कि एक दुआ है, गुरु और पारस के बीच अंतर लीजे जान, पारस किसे कनक होए, कनक बोलते सुने, पारस किसे कनक होए, गुरु करे स्वयं समान। पारस को घिसने से लोगा सोना हो जाता है, लेकिन पारस नहीं होता, गुरु ऐसी शख्सियत है कि जो अपने समान कर सकती है, अपने से भी आगे, अपने से भी बड़ा बना सकती है।